प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड जो है बेटे, मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं, लैटिन वर्ड्स, फिगर, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, आप सभी को समझ आ रही होगी। एंड माय टुडेज टॉपिक इज अबाउट शॉर्ट फॉर्म। तो जो है शुरू करें आज की क्लास। ओके, तो लेट्स बिगिन टुडे क्लास, लुक एट द बोर्ड। तो बेटे आज हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे। शॉर्ट फॉर्म जैसे कि आपको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म समझाया था। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है कि कोई भी डिजिट को एक्सपेंड करना अकॉर्डिंग टू हर प्लेस, हिज या दैट प्लेस, है ना। तो जो भी प्लेस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड डिजिट को कैसे करते हैं, हमने वो सीखा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में हमें डिजिट एक्सपेंड किया हुआ दिया रहता है ना। जैसे हम ये अभी तक एक्सपेंड ऐसे कर रहे थे 65 को, सो अब हम करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो बेटे इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये हमारे टू प्लेस है, वंस, ये वंस प्लेस है क्योंकि सिंगल डिजिट है, ये वंस और टेंस। तो ये कौन सा प्लेस हुआ, वंस टेंस, है ना। तो ये हमारा टेंस प्लेस पे है, समझ में आ रहा है बेटे। वंस टेंस, दो डिजिट का नंबर क्या होता है, हमेशा टेंस प्लेस। तो अब देखिए हमें क्या लिखना है, नंबर लिखने, हमें जीरो नहीं लिखना है, हमें सिर्फ प्लेस बताना है। जीरो से हमें पता चला ना कि जब 10 क्या होता है, 10 होता है, 1 के पीछे जीरो लगा तभी तो वो 10 बना, यानी ये वंस और टेंस, ये टेंस प्लेस हो गया। सो अब हम जो देखेंगे वो यही देखेंगे, अपने जीरोस के अकॉर्डिंग उसकी प्लेस। तो वंस पे यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, टू डिजिट नहीं है, सिंगल है, तो ये 5 ही है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना बेटा, ठीक है। तो 60 का हम क्या लिखेंगे, देखिए अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये डिजिट क्या है 6, ये टेंस प्लेस की है, और ये क्या है 5, तो ये हमारा बन गया 65। अब यहाँ देखिए ये प्लेस कौन सा है, वंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है टू डिजिट का, टेंस प्लेस। एंड थ्री डिजिट क्या होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, वंस, टेंस, 100। तो ये प्लेस कौन सा हो गया, 100। तो जीरो हमें नहीं लिखने, हमें डिजिट पे ध्यान देना है। तो पहला डिजिट है 9, 20 का हम क्या लिखेंगे बेटे, 2। एंड थर्ड डिजिट क्या है हमारी वंस प्लेस पे, 9। तो यहाँ लिख दिया हमने 9, तो हो गया ना 1, 10, 100। जितने प्लेस हैं हमारे पास उतना ही हमारा नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ वंस प्लेस, 3 वंस प्लेस पे। अब बेटे देखिए इसके बाद उन्होंने दे दिया 1, 10, 100, 100 प्लेस दे दिया। अब मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ नंबर लिखना है, तो मैं लिख देती हूँ 3 and 3। ये सही लग रहा है आपको, कहाँ तक डिजिट है, 100 तक। लेकिन अगर हम अपने गिने तो 1, 10, तीसरी डिजिट तो इसमें है ही नहीं। तो इसमें मिस्टेक क्या हुई है, ध्यान से देखिए मिस्टेक हुई है बेटे, वंस प्लेस है, टेंस प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। सो जब डिजिट नहीं गिवन होती है बेटे, उस प्लेस पे हम जीरो लगाते हैं। तो देखिए 100 प्लेस गिवन है, तो 100 का 3 लिखिए, टेंस हमने वंस भी लिखा, 100 बीच में क्या मिसिंग है, टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे लगाएंगे 0 एंड वंस प्लेस 3। तो आ गया ना 3 डिजिट, 1, 10, 100। तो जो शॉर्ट फॉर्म है बेटे, मैं आपको दोनों सिखा रही हूँ, जब डिजिट गिवन हो, और कई बार क्वेश्चन में डिजिट गिवन नहीं होता है, कोई ना कोई प्लेस वो आपको स्किप करके देंगे, तो आपने तब उस प्लेस पे जीरो लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको यहीं पर ये बात समझा रही हूँ, तो आपने ध्यान से ये बात नोट करनी है। जब तक आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ जाता, वंस टेंस मेंशन करना नहीं छोड़ेंगे। अब देखो बेटे, वंस टू प्लेस टेंस, वंस टेंस 100, थ्री प्लेस का 100, एंड ये देखिए वंस टेंस 100,000, ये हमारे पास 1000 प्लेस की बन, है ना। तो मैंने बोला है जीरो जो है 1000 प्लेस पे 8 है ना, तो हमने जीरो स्किप करने, नंबर लिखने, डिजिट डिजिट लिखना है, ठीक है। 8, 6, 5, 1। अब ये चेक कीजिए क्या 1000 तक यहाँ पर दिया था हमारा, वो 1000 बनता है या नहीं, वंस टेंस 100,000, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब बेटे ये देखिए सेम क्वेश्चन, वंस टेंस 100,000। अब इस क्वेश्चन में 6000, 0, 30 + 2। अब देखिए मैं आंसर लिखती हूँ 6, मुझे लगा जीरो की वैल्यू नहीं होती ना, तो जीरो छोड़ देते हैं। अब देखिए वंस टेंस 100, सही आंसर लग रहा है ना, वो 100 तक है, जबकि यहाँ में 1000 तक क्वेश्चन गिवन है, और हम आंसर में क्या लिख रहे हैं, सिर्फ 100 प्लेस तक। सो हमें जीरो को यहाँ पे हटाना नहीं है, जीरो की वैल्यू होती है ना, देखिए यहाँ हमने जीरो नहीं लगाया होता तो डिजिट 33 बन गई थी। सो आपको ये बात जरूर याद रखनी है बेटे। तो हम अपना आंसर सही करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा
डिजिट 6, 0 गिवन है 100 प्लेस पे, लिख दीजिए इसका 3 टेंस प्लेस का एंड 1 पे 2, 1 टेंस 100,000। समझ आया बेटे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सिंगल डिजिट है 1 प्लेस की, 1 टेंस 100 क्योंकि 3 डिजिट है तो 100 प्लेस, 1 टेंस 100,000 एंड 1000 प्लेस। अब देखिए 1000 का मेरे पास क्या है, 4, 100 प्लेस का क्या है 1, एंड कौन सा प्लेस नहीं दिया हुआ है, टेंस प्लेस नहीं दिया है। चलो मैं अभी आपको ये वंस प्लेस लिख के दे देती हूँ। क्या डिजिट 1000 तक बन रही है, वंस टेंस 100 नहीं ना, ये तो 1000 तक ही बना है। क्या मिस्टेक है, जो प्लेस टेंस प्लेस नहीं दिया था तो उसकी जगह पे हमें क्या लगाना है बेटे, 0। अब हमारी जो डिजिट है कम्प्लीट हो जाएगी। ये देखिए 1100,000। आई होप समझ आ रहा होगा बेटे आपको अच्छे से। एक क्वेश्चन मैंने जीरो वाला और दिया है, देखिए 1 टेंस कौन सा प्लेस है, टेंस। 1 टेंस 100 कौन सा प्लेस है, 100। 1 टेंस 100,000 कौन सा प्लेस है, 1000। तो मैं डिजिट लिखना शुरू करती हूँ 1000 का। 1 700 डिजिट लिखेंगे 7, टेंस प्लेस भी गिवन है तो 1 लिखेंगे, कौन सा प्लेस नहीं है सोचिए, हमारे पास नहीं है वंस प्लेस, तो वंस प्लेस नहीं है तो इसकी जगह पे आएगा 0। तो समझ आई होगी बेटे आपको वीडियो, आई होप। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल टॉपिक भी जो है वो आप क्लियर करते रहिए। तो कल मिलते हैं बेटे अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।